वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप काफ़ी बढ़िया होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी बारिश रुक गई है, अभी हम निकल पड़े हैं अपने गांव के बाहर। अभी हम देखने जा रहे हैं कितना क्या पानी बरसा है और कैसा क्या हमारे गांव का माहौल है, कितना पानी भर गया है। तो चलिए अभी हम ले चलते हैं आपको गाँव का तालाब। ये हमारे गाँव का तालाब, यहाँ पर जितनी भी हमारी जो भैंसियाँ हैं सबको यहाँ पर नहाती हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी भर चुका है। और ये हमारा वॉलीबॉल ग्राउंड, अभी काफ़ी ज़्यादा घास लगी हुई है। और ये इतने सारे जो लोग आए हैं मेरे साथ में आए हैं घूमने। दोस्तों आज काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी और अभी हम आ गए अपने खेतों के पास और अभी हम आपको दिखाएंगे जो हमारे खेतों में काफ़ी पानी भर चुका है। और ये सब लोग जितने भी हमारे साथ में खड़े हैं ये सब अपने अपने खेतों पर आए हैं ये देखने कि कितना क्या पानी भर गया है। और ये अर्पित अपनी साइकिल से आया है, ये बुलेट है इसका नाम, बुलेट। और ये हमारा पूजी भाई, इसे तो आप जानते होंगे। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी भर चुका है और जो हमारे गेहूँ हैं वो भी काफ़ी लच गए हैं। तो चलिए ये देखिएगा, फोटो की पोज में खड़े हुए हैं फोटो लेने के लिए। चलिए अभी हम आपको और आगे ले चलते हैं जो हमारे सब लोगों के खेत हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे कैसा क्या जो हमारा जो कितना क्या पानी कैसा क्या भरा हुआ है इसमें। तो चलिए चलते हैं और आगे। दोस्तों जो हमारे गेहूँ हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, बहुत सारे जितने गेहूँ हैं सब धरती में बिछ गए हैं। तो अभी चलिए हम आपको दिखाएंगे, जो देखिएगा जो गेहूँ हैं वो सारे ज़मीन में बिछ चुके हैं। जितने भी सारे जितनी हवा चल रही थी तेज, इसके कारण जो हमारे गेहूँ थे सब खराब हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं जितने भी सारा हमारे गेहूँ था सब कुछ धरती में बिछ गया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे खेतों में इस बारिश के कारण। तो जो हमारे किसान भाई थे इनका जितना भी सब गेहूँ है सब कुछ खराब हो चुका है। चलिए अरे आप देख सकते हैं बारिश के कारण काफ़ी हमारा नुकसान हो गया है, जितना भी हमारा गेहूँ था सब बिल्कुल धरती में लेट गया है बिल्कुल। और काफ़ी ज़्यादा है बारिश में नुकसान हुआ है, आप देख सकते हैं जितना सारा जो हमारा गेहूँ है सब धरती में बिछ गया है और इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। काफ़ी हमारे किसान भाइयों लोगों का बहुत ही नुकसान हुआ है इस बारिश में, कहीं कहीं तो काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि जितना भी गेहूँ है जितना भी गेहूँ हमारा सीधा खड़ा था वो सब धरती में बिल्कुल बिछ गया है। तो चलिए दोस्तों जो हमारा खेत का था काफ़ी नुकसान हो चुका है इन सब हमारे भाई लोगों का, सब लोग अपने अपने खेतों पर आए हुए थे और हमारे पूसी भाई की जो बरसीम थी उसमें काफ़ी पानी भरा हुआ है। और जो हमारे विकास भाई का खेत था उसमें गेहूँ में सब कुछ बिछ गया है और जो हमारे गेहूँ थे वो भी बिल्कुल धरती में लेट गए हैं। और जो बिल्कुल और जो हमारा गेहूँ जो हमारा अर्पित भाई था उसका जो गन्ना था वो भी सब कुछ पानी भरा हुआ है। तो चलिए हम अपने खेतों से आ रहे हैं वापस और जो हमारे गेहूँ में खेतों में था काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था। आप देख सकते हैं जो हमारे पूसी भाई हैं वो साइकिल चला रहा है अभी इस टाइम, आप देखते हैं ये अभी हम अभी जो हमारी बाइक थी जो हमारी कीचड़ के खातिर जो हमारी बाइक थी निकल नहीं पाती, इस चक्कर में जो हमारी साइकिल थी उसका यूज कर रहे हैं अभी। और बहुत ही ज़्यादा हमारे खेतों में नुकसान हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सब में पानी भर गया है। आप देखते हैं हमारे पूसी भाई है वो साइकिल चला रहा है अभी। तो ताऊ आपका गेहूँ कैसा गया है? अरे गेहूँ गिर गया था हमारे ताऊ का, सब गेहूँ गिर गया था। ताऊ कितना नुकसान हो गया है? अरे लाई की सब हमें पानी पड़ी है। तो हमारे ताऊ की जितनी भी लाई थी सब पानी में पड़ी हुई है, कटी हुई। तो ताऊ की ताऊ कितनी लाई कटी पड़ी आपकी? अरे 6 बीघा। बताओ हमारे ताऊ की 6 बीघा लाई पानी में कटी पड़ी है। इतनी मेहनत करते हैं, इतना पानी लगाते हैं और जो हमारी फसल तैयार होती है उस टाइम हमारी बारिश हो जाती है। तो ताऊ जो आपके गेहूँ थे वो कैसा क्या है उसका माहौल है? सब गिर गया, पूरे टोटल गली गिर गया। बताओ हमारे ताऊ के जितने भी गेहूँ थे वो भी सब गिर चुके हैं। तो कहते नहीं किसान, किस किसान का क्या लाभ होगा, जब हमारी फसल तैयार होती है तब तक जो हमारी जो बारिश हो जाती है जितना भी जो हमारी फसल होती है सब खराब हो चुकी है। तो ताऊ गन्ना उन्ना सब ठीक है आपका? गन्ना उन्ना ताऊ का हमारा गन्ना सब कुछ ठीक है, लेकिन जो हमारे ताऊ की जो लाई थी और गेहूँ थी सब खराब हो चुके हैं। तो ताऊ आपकी लाई कटी पड़ी शायद? कटी पड़ी सब कटी टूटा है सब। तो लाई अभी तो सब कट डाली है सब कटी। और गेहूँ गेहूँ खड़े गिर गया सब पानी में बताइए। बताओ हमारे ताऊ के सब गेहूँ पानी में गिर चुके हैं। कोई बात नहीं ताऊ, ये तो ऊपर वाले का करिश्मा है, जो होना तो होना ही है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अभी हम निकलते हैं अपनी घर की तरफ जा रहे हैं। तो अपने फिलहाल अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ, तक के लिए टाटा बाय बाय।